नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रसन्न शाहणे। ग्वालियर में सिरोल थाना पुलिस और खनिज विभाग की टीम ने एक अवैध रेत का ट्रक पकड़ा है। चंबल नदी से अवैध तरीके से भरकर लाई जा रही रेत की सूचना ग्वालियर रेत एसोसिएशन ने पुलिस को दी थी। पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर ट्रक और उसके चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। आरोपियों से पकड़े गए ट्रक पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर तक नहीं था। गौरतलब है कि ग्वालियर जिले में चंबल नदी की रेत के खनन और इसके इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई गई है। माइनिंग विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अवैध रेत माफियाओं के खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जा रही है। मैं तो ड्यूटी पे आया था, मुझे पता चला था माइनिंग द्वारा ये कार्रवाई की गई है, उसकी प्राप्ति रखी है मेरे पास। हम नहीं कह सकते, मैं देखे नहीं हम चढ़ के आया उसमें चंबल नदी रेत है क्या। मैं तो गाड़ी खड़ी मिली है उसकी प्रति मिली है, मानव द्वारा जब्ती की गई है। से ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ आज।